आपको भी बहुत ज्यादा थका थका रहता है, एनर्जी नहीं रहती है, और डेफिनेटली जब ये नहीं होगा तो सेक्सुअल परफॉर्मेंस डेफिनेटली खराब होने वाली है। अगर आप बहुत ज्यादा हेयर लॉस महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, काम पे कंसंट्रेशन नहीं आ रहा है, बहुत ज्यादा थकावट रहती है और परफॉर्मेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो डेफिनेटली ये वीडियो देखने की जरूरत है। मैं आपको वो टिप्स देने वाली हूँ जिससे आप अपनी परफॉर्मेंस को डेफिनेटली इंक्रीज कर सकते हैं, किन चीजों के सेवन से आप अपनी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाएंगे उसके बारे में भी बात करेंगे। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो। टेस्टोस्टेरोन एक बहुत ही असेंशियल मेल हार्मोन है जो कि मेल के मसल्स के साथ साथ ओवरऑल परफॉर्मेंस को भी बेटर करता है। अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी मेल बॉडी में होती है तो बहुत सारे साइड इफेक्ट्स को राइज करती है, चाहे वो मसल बिल्डिंग की हो, चाहे वो मेंटल अटेंशन की हो, चाहे वो बोन्स की हम बोले हेल्थ के बारे में हो, या मसल स्ट्रेंथ के बारे में हो, या फिर थकावट या लेथार्जिक वाली कंडीशन हो, वो डेफिनेटली टेस्टोस्टेरोन की कमी के कारण होती है। अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है तो डेफिनेटली आप बेड पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बेड छोड़ो, आप अपनी ओवरऑल लाइफ में परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपके अंदर से जो वो जेस्ट है टू परफॉर्म काम पे, दोस्ती में, कहीं भी, वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। और जिन पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होते हैं, दे आर मोर लाइक अ फीमेल बॉडी, उनको उस तरीके के जैसे हम बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स शुरू हो जाती हैं। सो अ गुड टेस्टोस्टेरोन लेवल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर परफॉर्मेंस ऑन बेड। एवरेज मेल्स टेस्टोस्टेरोन होना चाहिए कुछ 300 to 900 ng/dL। ये टेस्टोस्टेरोन जब आप अपनी नॉर्मल लैब में जाएंगे तो दो तरीके से चेक हो सकता है, फ्री प्लस टोटल टेस्टोस्टेरोन। दोनों को आप टेस्ट कराएं और उसकी नेचुरल रेंज चेक करें। अब टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए मार्केट में दो तीन तरीके हैं। जैसे आप चाहें तो टेस्टोस्टेरोन के लिए टैबलेट्स ले सकते हैं, या फिर कुछ सप्लीमेंट्स हैं जो टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बढ़ाते हैं, या फिर आपके पास हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी। ये उन केसेस में यूज की जाती है, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी, जो इंजेक्शन के माध्यम से आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को डालेंगे। ये उन केसेस में यूज करी जाए जब बिल्कुल भी ग्रोथ के चांसेस कम हो जाते हैं और बॉडी खुद से टेस्टोस्टेरोन नहीं बना पाता है एक पर्टिकुलर एज के बाद। और अगर ऐसा हो गया है तो डेफिनेटली वही इंजेक्शन हैं जो आपको हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आपका मार्जिनल टेस्टोस्टेरोन लेवल नीचे है तो डेफिनेटली एक अच्छा सप्लीमेंट आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ा सकता है। रादर देन टेकिंग टेस्टोस्टेरोन हार्मोन आर्टिफिशियली बना हुआ बाहर से, ऐसी कुछ चीजें लें जिससे आपकी बॉडी नेचुरली टेस्टोस्टेरोन की प्रोडक्शन को बढ़ा दे। यहाँ मैं रेकमेंड कर रही हूँ बोल्ड केयर अल्फा ऑल नेचुरल टेस्टो बूस्टर। ये नेचुरल कॉम्बिनेशन है जिसके अंदर स्ट्रेंथ, लिबिडो और मसल मास को हम बेटर करते हैं। इसके अंदर है डी एस्पार्टिक एसिड एज वेल एज CoQ10, जो कि आपके ओवरऑल हेल्थ और स्टेमिना को बेटर करता है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन है टेस्टो बूस्टर के साथ साथ, फटीक को कम करेगा, स्ट्रेस को कम करेगा और मसल डैमेज को रोकेगा। इसके अंदर अश्वगंधा भी है और फेन्युग्रीक भी है ताकि आपकी जो डिजायर या परफॉर्मेंस है वो बढ़ जाए। एडिशनल बेनिफिट्स की बात करूं तो इम्यूनिटी और ब्रेन फंक्शन के लिए बहुत अच्छा है। 3-4 months के रेगुलर यूसेज से आप विजिबल रिजल्ट्स देख पाएंगे। लिंक टू बाय बोल्ड केयर अल्फा ऑल नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्टर इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए आपका रेगुलर एक्सरसाइज, बैलेंस्ड डाइट एज वेल एज स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अपनी मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, या फिर आपको खुद पता चल रहा है कि मेरे मास्टरबेशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, तो पहला टेस्ट जो हर डॉक्टर आपको रेकमेंड करेगा वो है ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल। सो नेक्स्ट टाइम व्हेन यू गो फॉर योर ब्लड असेसमेंट, डेफिनेटली अपने लैब वाले को बोलें कि मुझे ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल भी चेक कराना है, जो कि एक नॉर्मल पिन प्रिक ब्लड इन्वेस्टिगेशन है। आशा करती हूँ मेरी वीडियो आपके डाउट्स को क्लियर कर पाई है। कुछ और पूछना चाहते हैं या अपनी ब्लड टेस्टोस्टेरोन लेवल चेक कराना चाहते हैं, यहाँ मैं आपको दे देती हूँ डिटेल्स। यू कैन बुक अ कंसल्टेशन एट www.nehamehta.com। बने रहें, जुड़े रहें। इंस्टाग्राम या फेसबुक पे आप अपने पर्सनल क्वेश्चंस भी मुझसे पूछ सकते हैं।